पिछले जितनी देर से हम कार्य 44 साल से मैं बोलू, बाकी भी मेरे सीनियर्स भी हैं यहाँ जो 50-50 साल से काम कर रहे हैं मुतवातर। उनके जब कार्ड रिन्यू होते थे एक रूटीन था, कार्ड रिन्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर देते थे, ठीक है। अब रूल जो है 122 ये आपको भी पता 1992 का है, अगर 1992 से लेके 2022 तक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आज इसका मतलब किसी को कीड़ा जा गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी को ये हुआ है कि यार ये ठेकेदार काम कर रहे हैं और इन ठेकेदारों को काम नहीं करना चाहिए जो हमने ऑब्जर्व किया है। अब आप गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव होने से मेरा ये आपके सामने मुतालबा है कि ये कार्ड क्यों नहीं रिन्यू होने चाहिए और कैसे, अगर रिन्यू नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। एक नंबर वन रिन्यू का ही मेन इशू है, पैसे के सारे कंडे लगा देने हैं, नई महीने तक हमारा एक भी कार्ड रिन्यू नहीं होगा। अब ये जो टेंडर आज भी ठेकेदार डाल रहे हैं ये इलीगल है, क्योंकि ठेकेदार का कार्ड रिन्यू ही नहीं है। जब रिन्यू ही नहीं है तो टेंडर कैसे डाल सकता है? और दूसरा ये है, दूसरे डिपार्टमेंट का ठेकेदार यहाँ आके टेंडर डाल सकता है क्योंकि उसका कार्ड वहां से रिन्यू हो गया, वो डाल सकता है, वो आगे भी पीडब्ल्यूडी में करता पड़ेगा। अब ये मसला हल कैसे करना, आपके पास क्या इसका सोल्यूशन बताएं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स तो आइडल हो गए हैं एंड आइडल मैन ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। एक तो इशू आपका रिन्यूल है, रिन्यूल है ही इस समय। सिर्फ यहाँ निकलो बेटा, कर लो कार्ड कार्ड बाट राइटिंग आज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जम्मू का जो प्रोटेस्ट है वो एक ही पॉइंट को लेके है, जो हमारे रिन्यूअल कार्ड्स के लिए है मसला है। जो कार्ड हमारे रिन्यू होते हैं, हर साल रिन्यू होते थे, अप्रैल महीने में कार्ड रिन्यू होते थे, रिन्यू होने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डालने के लिए। गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला, आर्डर निकाला या जवानी है, 1992 में एक आर्डर निकला था 122 नंबर रूल, उसको इन्होंने 30 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया है। जब आर्डर बना था तब हमने थोड़ा एहतजाज किया था, गवर्नमेंट मान गई थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, वो मान गई कि ये आर्डर गलत है। आज के समय में वही आर्डर 30 साल के बाद हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के कहने पे चीफ इंजीनियर साहब ने ला, जो हमारे प्लांट होल्डर से जम्मू के, सिर्फ जम्मू के, उनको उन्होंने डिबार कर दिया है। अब उनका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, कश्मीर में होगा, जम्मू में नहीं होगा। ये जम्मू वाले क्या देशद्रोही हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हर साल करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, हमारी पूरी फैमिली का करेक्टर सर्टिफिकेट साथ में लगेगा, जब हम क्या हम देशद्रोही हैं? तो उस वक्त करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक एम्प्लॉई का एक बार करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है जब वो ज्वाइन करता है,
पूरी नौकरी वो कर देता है, कभी कोई नहीं पूछता कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर का हर साल जो इन्वेस्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर अपना सारा कुछ लुटा देता है, लगा देता है किसी काम को बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, बैंक से लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, टाइम पे पेमेंट नहीं होती, जो मुद्दा पेमेंट्स का होता है उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे इस गेम से बाहर हो जाएं। क्या लगता है कि आज भी डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है? डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो गई है, कम नहीं है, अब ज्यादा हो गई है। पहले 1 रुपया थी तो आज 100 रुपया डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के लोगों से का साथ हो रही है। जिनकी सरकार है जम्मू में आज भी ये कहते हैं 40 सीटें लेंगे, हम कहें 100 ले, जो आज इनकी फुल मेजोरिटी है, LG इनका है, जम्मू के लोगों से इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? आज हमारे कार्ड ही रिन्यू नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स कम्युनिटी के तो टेंडर कैसे डालेंगे हम? और ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन इनका सिस्टम ही नहीं चलता है, और 1-2 महीने में इन्होंने टेंडर प्रोसेस खत्म करना है। अच्छा, कुछ चीज़ों का हमने स्वागत किया है, लेकिन एक चीज़ का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा कार्ड ही रिन्यू नहीं होगा तो हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? और लड़ाई लगवा दिया, हाइड्रॉलिक के कार्ड हो रहे हैं, यहाँ RNB में कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की अपनी लड़ाई लगवा दी है इन्होंने, 2 वार्ड कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स को। गवर्नमेंट हम आज के आज इस रूल को विड्रा करे, जैसे कार्ड पहले रिन्यू होते थे वैसे ही हो, तब हम गवर्नमेंट को आगे चलने देंगे, वरना हम रोडों पर रहेंगे, इनके ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे। आज से हमारा प्रोटेस्ट